हम लोग अभी गोपी का तालाब जा रहा हूँ, द्वारका आएंगे जरूर गोपी का तालाब दर्शन करना। गोपी तालाब का प्रवेश द्वार है, इसी प्रवेश द्वार से हम लोग आंगन में जा रहा हूँ, तालाब का आंगन में गोपीनाथ मंदिर, श्री गोपीनाथ मंदिर इसी तालाब का प्रांगण में है। गोपी तालाब, तालाब का प्रांगण में ही गोपीनाथ मंदिर है। 5000 साल से अधिक पुराना तीर्थ धाम है। गोपी तालाब देखिए, गोपी तालाब के बारे में थोड़ा बताइए ना। गोपी तालाब में गोपियाँ स्नान करने गए, उसके लुटेरे ने कपड़े लूट लिए, तो बिना वस्त्र नहीं निकल सकती, तो उसमें उसकी समाधि हो गई। अच्छा, भगवान को मिलने गोकुल गोकुल मथुरा से आई थी। अच्छा, तब से वो तालाब का नाम गोपी तालाब। गोपी तालाब तालाब में पक्षियाँ देखिए, गोपी तालाब पुरान कहानी के हिसाब से बोला जाता है 108 सखिया इसी तालाब में समाधि लिया था। 5000 साल पुराना ये धाम है, तालाब है। गोपियों का तालाब देखिए, पुरान कहानी के अनुसार 108 सखिया इसी तालाब में समाधि लिया था। भगवान श्री कृष्ण गोपीनाथ मंदिर, गोपीनाथ मंदिर, गोपीनाथ जी। चलो, गोपीनाथ जी 5000 साल पुराना ये मंदिर है। श्री गोपीनाथ जी मंदिर ये 5000 से अधिक पुराना मंदिर है। पांच हजार साल से भी अधिक पुराना मंदिर श्री गोपीनाथ जी मंदिर। श्री गणेश जी का मूर्ति देखिए, इसी गोपीनाथ जी मंदिर का प्रांगण में है। वेलकम टू शिवराजपुर द ब्लू फ्लैग बीच। ब्लू फ्लैग बीच का तरफ मामला आगे बढ़ रहा हूँ। गुजरात ओनली ब्लू फ्लैग बीच बहुत नज़दीक है, हम लोग आगे बढ़ रहा हूँ। मान रही है हमारे साथ ये बीच का देखने के लिए, अमेजिंग ब्लू बीच देखने के लिए। शिवराजपुर बीच ब्लू बीच का तरफ हम लोग आगे बढ़ रहा हूँ।
गुजरातपुर ब्लू बीच का तरफ हम लोग आगे बढ़ रहा हूँ। देख ही रहिए ये बीच देखने के लिए आप लोग बने रहिए मेरे साथ। द्वारका से मात्र 15 किलोमीटर दूर ये बीच। ये बीच पे कैमल राइडिंग, वाटर राइडिंग, बोटिंग सभी मौजूद है। द्वारका अगर आएंगे तो जरूर ये बीच में आना। ब्लू बीच बोलता है एक्चुअली। सभी मजा ले रहा है ये बीच में, कोई नहा रहा है, कोई बोटिंग कर रहा है, हर चीज बोटिंग का अरेंजमेंट है इधर। कैमल राइडिंग कर रहा है, देखिए कोई नहा रहा है, कोई बोटिंग कर रहा है। ब्यूटीफुल नजारा देखिए, ब्लू वाटर, कैमल राइडिंग। वाओ, शिवराजपुर ब्लू बीच। सभी मजा ले रहा है बीच का, देखिए एक अद्भुत नजारा एक ब्लू बीच में है। अमेजिंग। कितना है राइड डिस्टेंस, कितना है, कौन सा घोड़ा आएगा, कौन सा घोड़ा आएगा।
राजपुर ब्लू बीच। ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे प्लीज लाइक कमेंट शेयर करिए। अगर मेरा चैनल आप लोग को अच्छा लग रहा है प्लीज चैनल सब्सक्राइब करिए। आप लोग अच्छा रहना।